Hello students of class 10, welcome to our online class, and in this class we are going to discuss about the determination of blood group in human beings. Mammals mein special human beings mein blood group ka determination hoga. और इसमें आप देखेंगे ब्लड ग्रुप डिटरमिनेशन में कि जो ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द टू डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से जो हमें फैक्टर्स, जिसे हम लोग फैक्टर्स को जीन्स कह रहे हैं, वो फैक्टर्स जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं उसी से हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है. लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो ब्लड ग्रुप डिटरमिनेशन होता है, इसमें जो ब्लड ग्रुप है उसके दो फैक्टर्स जो हैं वह कॉमनली, या यूं कह सकते हैं कि यूनिवर्सली, है ना, डोमिनेंट होते हैं. कौन कौन? तो इसमें होता है जो ये ए है, ठीक है ना, ये भी डोमिनेंट है. बी ये भी डोमिनेंट है, और अकेला ओ जो होता है दैट इज रिसेसिव, या अकेला ओ होगा वही रिसेसिव होगा. यानी ये दोनों डोमिनेंट्स हैं. अगर ये आते हैं दोनों एक साथ किसी भी जायगॉट में, तो वह उस पर्टिकुलर लिविंग क्रिएचर के ब्लड के ग्रुप में किसी भी फैक्टर को सप्रेस नहीं करेगा. बोथ ऑफ द फैक्टर्स हैव टू अपीयर देयर कैरेक्टर ऑन द ब्लड सेल्स इन ब्लड ग्रुप डिटरमाइनिंग द ब्लड ग्रुप इक्वली. ये दोनों एक साथ आएंगे और एक साथ इनका ब्लड ग्रुप का डिटरमिनेशन होगा, ठीक है. और अगर सिर्फ ओ के दो फैक्टर्स आ जाते हैं तो ही उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा. ऐसे में हम लोग एक बात कॉमनली पढ़ते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप ओ इज काउंटेड एज द यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप बिकॉज इट कैन डोनेट एनी पर्सन, है ना, वह किसी भी पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है. लेकिन यहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं. जैसे सपोज दैट कि हम लोग डिटरमाइन करके भी देखेंगे कि किस किस तरह के ब्लड ग्रुप किसी पेरेंट में हो, तो उसके ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है. और आप भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे. वैसे किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है या फिर उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है. यानी कुल मिलाकर हमारे पास चार ही ऑप्शन है, ठीक है, चार ही ऑप्शन है जो ब्लड ग्रुप होते हैं. किस किस केस में ब्लड ग्रुप ए होगा, किन केसेस में ब्लड ग्रुप बी होंगे, कौन से केसेस होंगे जिसमें ए बी होगा, और कौन सा ऐसा केस आएगा जिसमें कि ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है. और एक और खास बात, हमारे माइंड में थॉट बन जाता है कि माय ब्लड ग्रुप आल्सो नेसेसरली मैच विद आवर पेरेंट्स. हमारे ब्लड ग्रुप जो है वह डेफिनेटली एकदम श्योरली है कि हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करेंगे, बट इट इज जस्ट अ माइथ, यह एक अंधविश्वास है, क्योंकि साइंटिफिकली यह प्रूव कर दिया जाएगा. आप भी देख लेंगे कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कुछ और हो और आपका जो डिटरमाइन ब्लड ग्रुप होगा वो कुछ और ही हो सकता है. सपोज दैट कि एक पेरेंट के पास ब्लड का ग्रुप है कुछ इस तरह से है, ओ रख लीजिए इसका, ठीक है ना, कि एक फैक्टर इसके पास ए है और दूसरा फैक्टर ओ है, और दूसरे पेरेंट के पास जो फैक्टर है अवेलेबल वह है आपका ए और इसको बी रख लीजिए, बी और ओ है. अब ऐसे में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक गेमेट बनेगा जिसके पास की यह ए अवेलेबल कराएगा, दूसरा गेमेट है जिसके पास की यह क्या अवेलेबल कराएगा, ओ अवेलेबल कराएगा, तीसरा इसके पास जो गेमेट बनेंगे उसमें एक के पास यह बी देगा और दूसरे के पास पॉसिबल है कि वह क्या दे सकता है, ओ दे सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए कैसे डिटरमाइन होता है. अगर ये ए और बी, यानी इसका इस पेरेंट का ब्लड ग्रुप है ए और इस पेरेंट का ब्लड ग्रुप है बी, इसका है ए और इसका है बी,
अब देखिए, अगर ये इस या गिमिट इस तरह के गिमिट के साथ अगर ब्लड मतलब जो है फ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करता है तो यहां पर इसके ऑप्शंस होंगे ए और बी, दोनों आ जाएंगे, तब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इस ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, जो न इसके फादर के साथ मैच कर रहा है और ना ही इसकी मदर के साथ। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये फादर है और ये मान लेते हैं कि इससे इज द मदर। तो आप देख रहे हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए बी एंड दैट इज नॉट मैच्ड विथ फादर और मदर, इनमें से किसी के साथ यह मैच नहीं करता है। दूसरे केस में देख लीजिए, अगर ये इसके साथ फ्यूजन करता है तो यहां पर ए और ओ आ जाएंगे, तो इसका ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा, यानी इट इज मैच्ड विथ हिज फादर, वह फादर के साथ मैच करेगा। तीसरे केस में देख लीजिए, अगर यहां इसके साथ आएगा तो यहां पर देखिए इसका ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल होगा, बी और ओ है, तो यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, यानी इसके मदर के साथ मैच करेगा। ठीक है, और अगले केस में देख सकते हैं, ये हो गया, इसमें दोनों रिसेसिव आ गए, दोनों के दोनों रिसेसिव है। ठीक है, और ऐसे में जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, वह ब्लड ग्रुप किसके साथ मैच करेगा, तो इस नए फादर के साथ, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, और नए फादर के साथ है ना, मदर के साथ, यह एक अनदर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को कंसिस्ट कर लेता है। ठीक है, और दैट ब्लड ग्रुप बिकम्स ओ एन यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप। अब कहेंगे कि सर ये यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप है तो यह किस किस को डोनेट कर सकता है, क्या इसका कोई क्राइटेरिया है, या इन सबको यह डोनेट कर सकता है? कहता है कि नहीं, यह जो ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है ना, वह ओ ब्लड ग्रुप केवल वह उन्हीं के को डोनेट कर सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट कम से कम एक रिसेसिव अवेलेबल है, यानी जो फैक्ट मतलब फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स में हमने देखा कि इनके पास एक एक रिसेसिव अवेलेबल है, लेकिन अगर अगले के पास देखें जिसके पास की ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास ओ रिसेसिव नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में वह उस जिसके पास की ओ रिसेसिव नहीं है क्या उन्हें वह डोनेट कर सकता है? नहीं, इसके पास कुछ क्राइटेरिया ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि वह अपने इस ब्लड को यानी यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप होने के बावजूद यह सभी को डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि वह मैक्सिमम को डोनेट कर सकता है और इसलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप जानते हैं इसे? यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप जानते हैं। ठीक है, अब इस तरह से आप कुछ अनदर केसेस को भी जो है वह डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है संभवतः। अब देखिए, फैक्टर्स को हम लोग इनिशिएट करके देखेंगे कि अलग अलग फैक्टर्स कैसे मैच करके किसी ब्लड के ग्रुप को हमें जो है वह वेरिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या केसेस होंगे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में। देखिए, अगर किसी पर्सन के पास, सपोज दैट, यहां पर ध्यान से देखना है कि अगर किसी पर्सन के पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव फैक्टर होगा तो भी इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए कहलाएगा। ओ क्या है? वह हाई ही है, रिसेसिव, इसलिए वह केवल इसके कैरेक्टर के अपीयरेंस में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वह अपने कैरेक्टर को अपीयर नहीं कराएगा, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अब दूसरे केस में देखिए, अगर इसके पास दोनों के दोनों सेम फैक्टर्स आ गए तो भी इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए फैक्टर हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब दूसरे केस में देखिए, बी के लिए वैसा ही आ जाएगा, अगर एक के पास बी है और एक के पास ओ यानी रिसेसिव है तो इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। इसके पास अगला केस होता है कि अगर दोनों के पास बी है तो भी इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी ही होगा। हाँ, अब अगले केस में आता है कि अगर एक के पास ए है और दूसरे के पास बी है तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ठीक है, और अगले केस, अगला जो हो सकता है कैसे डिटरमाइन होगा और किस तरह से आप फैक्टर्स को बना सकते हैं, तो इसमें अगर एक के पास, दोनों फैक्टर्स के पास ओ ओ है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ठीक है, इस तरह से आपने चार ऐसे मतलब ऐसे केसेस हो गए आपके, कुल मिलाकर सिक्स केसेस जिसमें कि आपका अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है।
आपने कुछ केसेस स्टडी भी किया, एक केस स्टडी करके आपने देखा है कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप जो है वह कुछ और है और उसके ऑफस्प्रिंग्स का ब्लड ग्रुप पॉसिबल है कि उसके पेरेंट्स के साथ मैच कर भी सकता है और नहीं भी। एग्जैक्टली मैच कौन करता है, और एक्चुअली डिटर्मिनेशन, पहले डिटर्मिनेशन का यही जो है वह क्राइटेरिया होता था कि ब्लड ग्रुप मैच किया तो इसका मतलब है कि यह इसका ऑफस्प्रिंग है, और अगर नहीं किया तो दैट इज नॉट, मतलब यह डिटरमाइन कर दिया जाता था कि वह उसका ऑफस्प्रिंग नहीं है। बट बाद में जब रिसर्चेस किए गए तो इन रिसर्चेस यह प्रूफ हो गया कि नहीं, ब्लड ग्रुप इज नॉट द परफेक्ट प्रूफ, वह ब्लड ग्रुप जो है वह परफेक्ट प्रूफ नहीं है। एक्चुअली द डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए कंपोजिशन, यही उसका परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन बनता है। तो डीएनए एक अलग फैक्टर है, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है जो आपको इससे पढ़ना है, इससे रिलेटेड है, दैट इज द पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, ग्रुप, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, किसी में ए पॉजिटिव हो जाता है, किसी में ए नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, किसी में बी पॉजिटिव होगा तो किसी में बी नेगेटिव हो जाएगा, किसी में ए भी पॉजिटिव हो जाएगा, और कुछ केसेस में आप देख सकते हैं कि ए भी नेगेटिव भी हो जाता है, ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ऐसे में यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको लगेगा कि सर जिसमें रिसेसिव आ गया वह नेगेटिव हो गया, और जिसमें दोनों के दोनों डोमिनेंट आ गए वह पॉजिटिव हो गया। बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या है कि अगर ऐसा होता तो ये तो दोनों के दोनों जो ए बी हैं, वह ए बी जो है वह दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है ही नहीं, तो इसमें कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। एक्चुअली दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर क्या है, ये आपके सेक्शन में तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन बता दूं। आरएच फैक्टर एक तरह का आपका एंटीजन होता है, एंटीजन आप पढ़े हो, ठीक है, किस क्लास में एंटीजन पढ़ा होगा आपने, क्लास 9 के एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एक तरह का केमिकल, और केमिकल करता क्या है, तो एंटीजन क्या करता है कि आपके ब्लड को इंफेक्शन से बचाता है, और यह एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर होगा या उसके सरफेस के इंटरनल में होगा। जिसका सरफेस पर होता है उसका पॉजिटिव, और जिसका इंटरनल सेक्शन में होगा आरएच फैक्टर, ठीक है, यानी उसका जो एंटीजन का कहां पर होगा इस हिसाब से उसका पॉजिटिविटी और या फिर नेगेटिविटी तय किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है। अब आपको क्या करना है कि कुछ केसेस में आपको एक ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करके लाना है। आप केसेस क्या रखेंगे, आप पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप मानेंगे कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप अलग अलग केसेस में, ठीक है, कुछ केसेस में आपको ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करना है, और इस तरह से आप एक, जैसे हमने आपको बताया कि अगर एक पेरेंट के पास ये है दूसरे के पास वो है, तो आपको भी सपोजिव रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है ए बी, क्या है, ए बी है, और इसी में इसका दूसरे पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वह कैसा है, ये हो गया एक केस नंबर एक। अब आपको इनके ऑफ स्प्रिंग्स के डिसाइड करने हैं कि ब्लड ग्रुप की क्या पॉसिबिलिटी होगी, संभावनाएं क्या क्या है। दूसरे नंबर आप कुछ और मान लीजिए, एक पेरेंट के पास ब्लड ग्रुप इस तरह से है और दूसरे पेरेंट के पास जो ब्लड ग्रुप होगा वह कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट केसेस को अपने बनाएंगे, मिनिमम आपको 5 केसेस खुद से फॉर्म करने हैं, और तब इनके रेशियो भी आपको फाइंड आउट करने कि क्या क्या रेशियो होगा, और ये दो तरह के रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनिए कि पहले आपको अपने लिए अलग अलग केसेस बनाने हैं, कम से कम 5 केसेस। इस तरह से हमने 2 केसेस आपको बताया, तीसरा हमने डिस्क्राइब करके बताया, और इस तरह से आपको कुल मिलाकर 5 केसेस को अपने लिए फॉर्म करना है, ठीक है, और उनमें आपको ऑफ स्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन भी करना है, और ब्लड ग्रुप के डिटरमिनेशन के बाद इनके जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो भी बनाने हैं।
कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है और फेनोटाइपिक रेशियो क्या है। हो सकता है कि इन रेशियो में आपको 1:1:1 का रेशियो भी मिल जाए, और हो सकता है आप F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में नहीं जाइएगा, F1 जनरेशन के ही रेशियो को आप निकाल कर बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 केसेस आपको बनाने हैं, ठीक है, ओके। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज आवर एनवायरमेंट। ओके, थैंक यू।